एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 12 वी हैव कंप्लीटेड यस्टरडे सो फ्रॉम क्वेश्चन नंबर वी विल कंटिन्यू एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 13 और आज हम एक्सरसाइज का तक भी कर देंगे क्वेश्चन नंबर 13 इज अ सर्कुलर फ्लोर बेड एक सर्कुलर फ्लोर बेड चाहिए इज सराउंडेड बाय अ पाथ ऑफ 4 मीटर वाइड इसके चारों ओर बराबर 4 मीटर वाइड एक रास्ता बना हुआ है सर्कुलर पाथ बना हुआ है ये 4 मीटर वाइड कितने मीटर वाइड होता है 4 मीटर वाइड यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 4 मीटर है ये जो रास्ता बना हुआ है ये कितने मीटर का है 4 मीटर का द डायमीटर ऑफ द फ्लोर बेड इस फ्लोर बेड का जो डायमीटर है ये यहाँ से यहाँ तक वो 66 मीटर है कितने मीटर है 66 मीटर फाइंड द एरिया ऑफ दिस पाथ फाइंड द एरिया ऑफ दिस पाथ मुझे एरिया किसका फाइंड करना है मुझे पाथ का एरिया फाइंड करना है पाथ है कौन सा देखिए पाथ ये है जिसको मैं अब सेडेड करके दिखा रहा हूँ जिस पोर्शन को मैंने सेडेड कर दिया वो क्या है वो एक पाथ है एरिया ऑफ पाथ कब आएगा एरिया ऑफ पाथ अगर मैं इस बड़े वाले सर्कल के एरिया में से ये छोटे वाले सर्कल के एरिया को माइनस कर दूँ मेरे पास ये पाथ का एरिया आ जाएगा कैसे अगर मैं बड़े वाले सर्कल के एरिया में से छोटे वाले सर्कल के एरिया को माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास किसका एरिया आ जाएगा पाथ का तो मैं दूंगा एरिया ऑफ पाथ में कैसे फाइंड करूंगा एरिया ऑफ फ्लोर बेड एरिया ऑफ फ्लोर बेड माइनस एरिया ऑफ फ्लोर बेड माइनस एरिया ऑफ फ्लोर बेड अगर मैं इस बड़े सर्कल का एरिया फाइंड कर रहा हूँ तो इस बड़े सर्कल पे सारा पोर्शन आ जाएगा फ्लोर बेड भी आ जाएगी रास्ता भी आ जाएगा तो मैंने लिखा एरिया ऑफ फ्लोर बेड विद पाथ क्योंकि जब मैंने बड़े सर्कल का एरिया फाइंड करा तो उसमें पाथ और फ्लोर बेड दोनों आ गई हैं उसमें से मुझे फ्लोर बेड का एरिया माइनस कर दूंगा तो पाथ का रह जाएगा माइनस एरिया ऑफ फ्लोर बेड यहाँ पर देखिए क्या है डायमीटर कितना है 66 डायमीटर ट्वाइस ऑफ रेडियस रहता है कितना रहता है ट्वाइस ऑफ रेडियस वो कितना है 66 तो रेडियस कितनी है बेटा 33 रेडियस कितनी आ गई 33 अगर मैं यहाँ से बड़े वाले सर्कल का डायमीटर रेडियस चेक करूँ कितनी बड़े वाले सर्कल की रेडियस को हम बड़े आर से रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे 33 मीटर है ये और इसमें 4 मीटर ये रास्ता भी है तो 4 ये ऐड कर लेंगे तो कितना हुआ 37 मीटर एक बार और समझ लेंगे कैसे मैंने यहाँ पर रेडियस फाइंड कर लिया फ्लोर बेड जो छोटा वाला सर्कल है उसका डायमीटर कितना है 66 जो 2r आर है तो 2r की वैल्यू 66 वन आर की वैल्यू हुई है 33 आपको यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस फाइंड करनी है क्योंकि ये बड़े वाले सर्कल की रेडियस है तो अब आप क्या करेंगे इस रेडियस में यहाँ से यहाँ तक कितना है यहाँ से यहाँ तक कितना है 33 और आगे कितना है 4 तो कितना हुआ 37 अब आप यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ फ्लोर बेड विद पाथ तो पाई आर स्क्वायर इसका मतलब बड़े सर्कल का एरिया बड़ा सर्कल है तो बड़ी रेडियस लेंगे छोटा सर्कल है तो छोटी रेडियस लेंगे माइनस माइनस पाई आर स्क्वायर एरिया अंदर वाले अब आपने देखा पाई को मैंने यहाँ पर कॉमन ले लिया क्या ले लिया पाई को मैंने क्या कर लिया कॉमन ले लिया आर स्क्वायर कैपिटल आर कितना है 37 स्क्वायर माइनस यहाँ पर कितना 33 स्क्वायर अब आप पाई को ऐसे रखें
अगर आपके पास में 37 स्क्वायर और 33 स्क्वायर है, दो नंबरों के ऊपर स्क्वायर है और बीच में माइनस का साइन हो, दो नंबर है हमारे पास, एक 37 स्क्वायर है एक 33 स्क्वायर, दोनों के भी ऊपर स्क्वायर हो बीच में माइनस हो, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आप 37 में से एक बार 33 को माइनस कर दोगे, एक बार 37 में 33 को प्लस कर दोगे। इस कंडीशन में जब भी आपको दो नंबर ले जाए स्क्वायर में उनके बीच में माइनस का साइन हो तो आप दो ब्रैकेट यूज करेंगे, एक में दोनों नंबर को माइनस करेंगे, एक में दोनों नंबर को प्लस करेंगे। पाई इनटू कितना 37 में से जब आप इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? कितना 4 आएगा। कितना आएगा? इन दोनों को माइनस करके 4 और इन दोनों को प्लस करके 7, 7 और 3 तो 10 हुआ, 3 3 6 1। आप देखिए पाई की वैल्यू आप 3.14 लिखेंगे, इनटू 4 और इनटू 7। अब आप 4 से करिए, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 4 1 5, 4 3 जा 12, कैरी ये डेसिमल यहाँ पर लगा दो, इनटू 70 करिए मल्टीप्लाई 70 से, यहाँ पर करिए 0 7 6 जा 42, 7 5 जा 35 और 4 39, 7 2 जा 40 और 3 17, 7 1 जा 7 और 1 कैरी के बस बेटा कितने स्क्वायर मीटर? 879.20 स्क्वायर मीटर पाथ का एरिया है। एरिया ऑफ पाथ हमने कितना फाइंड कर लिया है? 879.20। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 इज, क्या है क्वेश्चन नंबर 14? अ सर्कुलर फ्लावर गार्डन हैज एन एरिया ऑफ, क्वेश्चन में एरिया ऑफ फ्लावर गार्डन है, गार्डन इतना 3 1 4 स्क्वायर मीटर। आ स्प्रिंकलर एट आ सेंटर ऑफ गार्डन, एक स्प्रिंकलर लगा हुआ है गार्डन के बीच में, और जे आ स्प्रिंकलर एट द सेंटर ऑफ द गार्डन कैन कवर एन एरिया दैट हैज द रेडियस ऑफ 12। एक स्प्रिंकलर जो लगा हुआ है गार्डन के बीच में वो कितना एरिया कवर कर सकता है, पानी कहाँ तक पहुँचा देगा वो स्प्रिंकलर, वहाँ तक पानी कवर करेगा। अगर किसी सर्कल की रेडियस 12 है तो वो वहाँ तक के सभी जितना भी फ्लोर गार्डन है उसको कवर कर देगा, जिसकी रेडियस 12 होगी वो उसको कवर कर देगा, रेडियस 11 होगी तो भी उसको कवर कर देगा, रेडियस 10 होगी तो सर्कल और छोटा हो जाएगा उसको भी कवर कर लेगा। अगर 12 से प्लस होता है गार्डन की रेडियस, अगर किसी सर्कुलर रेडियस सर्कुलर गार्डन के रेडियस 12 से ज़्यादा हो जाएगी तो वो उसको कवर नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो स्प्रिंकलर जो है वो कितने एरिया को कवर कर सकता है, वो उतने सर्कुलर एरिया को कवर कर सकता है जिसकी रेडियस 12 है। तो जिसकी रेडियस, जिस सर्कुलर गार्डन की रेडियस 12 होगी स्प्रिंकलर उसको कवर कर सकता है, तो जो जिसकी रेडियस 12 से कम होगी उनको तो कर ही कर लेगा वो कवर, तो रेडियस अगर 12 से ज़्यादा होगी तो स्प्रिंकलर उसे कवर नहीं कर पाएगा। अगर गार्डन की रेडियस 12 या उससे कम होगी तो उसको कवर कर लेगा। अब इस क्वेश्चन को सुनिए, आ सर्कुलर फ्लोर गार्डन हैज एन एरिया ऑफ 340 स्क्वायर मीटर एंड आ स्प्रिंकलर एट द सेंटर ऑफ द गार्डन कैन कवर दैट हैज रेडियस ऑफ 12 मीटर, वो उसको कवर कर लेगा, उस सर्कुलर गार्डन को कवर कर लेगा जिसकी रेडियस 12 है। विल द स्प्रिंकलर वाटर द एंटायर गार्डन, क्या स्प्रिंकलर गार्डन पूरे गार्डन में पानी पहुंचा देगा? अगर यहाँ जिसका एरिया इतना है, यहाँ पे कोई डेसिमल नहीं है बेटा, यहाँ पर कोई भी डेसिमल नहीं है, वैसे
नेचुरल साइन बना हुआ है ब्लैक बोर्ड पर जो रिमूव नहीं किया जा सकता। दिस इज द नेचुरल साइन। तो यहाँ पर एरिया ऑफ फ्लोर गार्डन, सर्कुलर फ्लोर गार्डन है तो पाई आर स्क्वायर यहाँ पर कितना 314। पाई की वैल्यू क्या रखी है 3.14, आर स्क्वायर इक्वल्स टू 314, आर स्क्वायर इक्वल्स टू 314 अपॉन कितना, ये जो 3.14 है यहाँ पे चला जाएगा 3.14। डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 2। आपने जैसे रिमूव करा डेसिमल ऊपर 2 की बात की है, अब 314 बन जा 314 बन जा कहीं डिवाइड हो गया और आगे तो 0 दिया। इधर आर स्क्वायर में है, अगर मैं इसको स्क्वायर को उधर ट्रांसफर करूँ तो ये स्क्वायर रूट के फॉर्म में चला जाएगा और यहाँ से रेडियस कितनी आ गई है 10 मीटर। जो स्प्रिंकलर है वो 12 मीटर तक सर्कुलर गार्डन को, 12 मीटर के रेडियस के सर्कुलर गार्डन को कवर कर सकता है और हमारी रेडियस कितना है 10। तो जो वो 12 रेडियस के को कवर कर लेगा तो उससे छोटी तो सभी रेडियस को कर लेगा। तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा यस, यहाँ पर लिखेंगे यस द स्प्रिंकलर वाटर एंटायर गार्डन क्योंकि यहाँ पर जो रेडियस है 10 इज लेस देन 12, 10 मीटर इज लेस देन 12। मैं कह रहा हूँ तो पढ़ा लो यहाँ तो सामने तो आपको ये समझ आ गया होगा। एक बार और मैं इसी क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। एक स्प्रिंकलर है, गार्डन के बीचों बीच क्या लगा हुआ है स्प्रिंकलर। अब स्प्रिंकलर तो गार्डन के बीच में लगा दिया, उन्होंने कहा ये जो स्प्रिंकलर है वो 12 मीटर रेडियस, जिसकी रेडियस इस गार्डन की रेडियस 12 सेंटीमीटर होगी, वो उसमें पूरे में पानी फैला देगा, वो उसमें पूरे में पानी फैला देगा और जिसकी रेडियस 12 से ज़्यादा होगी उसमें वो नहीं फैला पाएगा क्योंकि उसकी लिमिट तो 12 मीटर तक की है। 12 मीटर तक की रेडियस के सर्कुलर गार्डन में वो चारों तरफ पानी फैला देगा। तो उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा कि एक गार्डन है जिसका एरिया 314 है तो क्या वो उसमें भी फैला देगा। तो मुझे ये पता होना चाहिए कि एरिया तो मुझे पता है कितना है तो उसकी रेडियस भी तो पता हो, क्योंकि मैं तो रेडियस से ही कंपेरिजन कर सकता हूँ जो क्वेश्चन में रेडियस दी हुई है कि वो 12 मीटर की रेडियस तक पानी पहुंचा सकता है। तो यहाँ पहले मैंने जिस गार्डन का एरिया दिया हुआ था एरिया का फॉर्मूला यूज करके उस गार्डन की मैंने क्या निकाली रेडियस। अब ये रेडियस तो 12 से कम है, वो स्प्रिंकलर 12 मीटर की रेडियस तक पानी पहुंचा देगा और हमारी रेडियस कितनी आ गया 10, तो वो स्प्रिंकलर को कवर कर लेगा। मैंने लिखा यस द स्प्रिंकलर विल वाटर द एंटायर गार्डन, वो पूरे गार्डन में पानी फैला देगा। तो आपको सब समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 इज फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द इनर एंड आउटर सर्कल्स एज शोन इन द एडवेंचर फिगर। ये आपके सामने एक फिगर बनी हुई है, सर्कल के अंदर एक सर्कल, यहाँ पर लिखा हुआ है 10 मीटर, यहाँ से सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 19 मीटर। यही बेटा अगर इसके चारों साइड ये 10 मीटर है तो ये वाला भी 10 मीटर हुआ, ये भी 10 मीटर, ये सब कितने मीटर हो जाएंगे 10 मीटर, इतना तो आपको पता ही चल गया होगा। तो यहाँ अगर ये 10 मीटर है तो ये चीज तो यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक भी कितना हुआ 10 मीटर। अगर ये 10 मीटर है तो ये कितना है, तो ये 9 मीटर हुआ बेटा, कितना हुआ 9 मीटर।
मैं इसको 9 मीटर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये पूरा तो 19 मीटर है, पूरा कितना मीटर है ये 19, ये पूरा 19 मीटर है। तो अगर ये 10 है तेरे तो 9 पे चल, ये कितना है ये 10 है तो मुझे पता चला ये भी 10 हुआ, जब ये 10 है तो ये भी कितना हुआ बेटा 10, और ये पूरी 19 है, ये पूरी यहाँ से आकर 19 है, ये 10 है तो ये कितनी बची, ये 9 ही बची होगी क्योंकि ये पूरी तो कितनी है 19। अब मुझे बता दीजिए कि स्मॉल सर्कल की रेडियस तो यहाँ से यहाँ तक 9 मीटर है, और जो बड़ा वाला सर्कल है उसकी रेडियस यहाँ से यहाँ तक 90 मीटर। आपको सर्कमफेरेंस फाइंड करनी है, क्या फाइंड करनी है, सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस ऑफ इनर सर्कल, ऑफ इनर सर्कल, इनर सर्कल की आपको सर्कमफेरेंस फाइंड करनी है, तो 2 पाई आर, स्मॉल आर लेंगे क्योंकि छोटा सर्कल है, छोटी आर लेंगे बड़ा सर्कल है बड़ा आर, 2 × 3.14 इंटू आर कितनी है 9, 2 × 4 = 8, 2 × 1 = 4, 2 × 3 = 6 इंटू में 9, 9 × 8 = 70 कैरी 7, 9 × 2 = 18, 18 × 7 = 25, 9 × 6 = 54, 9 × 6 = 54 और 1 कैरी 2 कैरी 56 आएगा, 2 कैरी लगी थी तो 56 बार, इतने मीटर सर्कल की सर्कमफेरेंस आ गई है। ये क्या आ गई है सर्कल की सर्कमफेरेंस, तो ये आ गया 56.52 मीटर। अब मैं फाइंड करूंगा सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस ऑफ आउटर सर्कल, आउटर सर्कल की सर्कमफेरेंस फाइंड करेंगे 2 पाई आर, कैपिटल आर लगाइए, 2 × 3.14 इंटू आर कितना है 9, कितना है 90। अब आप मल्टीप्लाई करें 2 × 19 = 76, 76 का 6 तो मैंने यहाँ लिखा और ये 7 हो गए, 19 × 19 = 7, 19 × 7 = 26 हुआ, 26 का 6 तो मैंने यहाँ लिखा और 2 आया कैसे, 19 × 3 = 57 और 57 × 2 = 59, अब जैसे मैं लगा रही है, अब 2 से करके 2 × 6 = 12, 2 × 6 = 12 और 1 = 13, 2 × 9 = 18 और 1 = 19, 2 × 5 = 10 और 1 = 11, एक बार और देखिए, 2 × 6 = 12, 2 × 6 = 12 और 1 = 13, 2 × 9 = 18 और 1 = 19, 2 × 5 = 10 और 1 = 11। तो यहाँ पर दोनों सर्कल की सर्कमफेरेंस हमने फाइंड कर दी है, इनर की भी और आउटर की भी, इनर सर्कल और आउटर सर्कल दोनों की सर्कमफेरेंस हमने फाइंड कर दी है। नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 इज हाउ मैनी टाइम्स अ व्हील ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर मस्ट रोटेट टू गो 352 मीटर, 352 मीटर। देखिए क्वेश्चन क्या है, जानते चलिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 इज हाउ मैनी टाइम्स अ व्हील ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, एक ये व्हील है पहिया जिसकी रेडियस 28 सेंटीमीटर है, ये कितने
रोटेशन में कितनी बार घूमेगा कि ये 352 मीटर कवर कर ले, कितनी बार ये घूमेगा कि ये 52 मीटर कवर कर ले। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, रेडियस इसकी क्या है, रेडियस इसकी 28 सेंटीमीटर है। पहले मैंने रेडियस को क्या बनाया, 28/100 कर लिया और इसको मैंने मीटर बना दिया। तो ये आ गया 0.28 मीटर। कितना आया रेडियस, 0.28 मीटर। मेरे पास रेडियस कितनी थी, 28 सेंटीमीटर। मैंने इसको 100 से डिवाइड करके मीटर बना लिया। मीटर क्यों बनाया, क्योंकि मुझे कितनी डिस्टेंस कवर करनी है, 352। देखिए यहाँ पर मैं लिखूंगा कर्व डिस्टेंस इन वन रोटेशन। एक पहिया है जिसकी रेडियस 28 सेंटीमीटर है, तो वो बेटा एक रोटेशन में कितनी डिस्टेंस, एक बार वो घूम गया तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी। तो आप बोलोगे सर जितनी उसकी सर्कमफेरेंस, अपनी सर्कमफेरेंस के इक्वल उसने डिस्टेंस कवर करी। तो सर्कमफेरेंस कितना, 2π। जब भी कोई पहिया घूमता है तो वो एक टाइम अगर घूमा तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी, जितनी उसकी सर्कमफेरेंस कितनी, 2π। 2π r मैंने लिया और यहाँ लिखा 2 × 22/7 × 0.28 7 4 जा पे कट गए, कितने पे कटा, 7 से तो एक काम करो, यहाँ से आपने डेसिमल हटाया और नीचे दो जीरो ले, 7 4 20 है और अब आपने इनकी मल्टीप्लाई करनी है 2 × 22/4 नीचे 100। जब 4 × 8 8 × 16 8 × 16 = 17/0 तो कितना आया, 1.76। नीचे दो जीरो है, नीचे दो जीरो, तो दो के बाद डेसिमल लगा दो। तो बेटा आपने ये देखा कि इस सर्कल ने एक रोटेशन में इतनी डिस्टेंस कवर कर दी, एक रोटेशन में इतनी डिस्टेंस कवर कर दी। हमें टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करनी है, 352 मीटर। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ रोटेशन टेक बाय व्हील 2 कवर द डिस्टेंस 352 मीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए कितने रिवॉल्यूशन लगाएगा, कितने चक्कर लगाएगा, कितनी बार वो घूमेगा। आप क्या करेंगे, 352 को डिवाइड कर देंगे 1.76, इससे डिवाइड कर देंगे 1.76। आपने क्या करा, आपने डेसिमल यहाँ से हटाया और ऊपर दो जीरो ले, फिर अब ये 35200 और अपॉन में कितना है, 376 2 = 352 और 2 के आगे कितना आगे 2 0, तो वो कितनी बार घूमेगा इतनी डिस्टेंस को कवर करने के लिए, 200 टाइम। तो कितनी बार घूमेगा, 200 टाइम। अगर वो व्हील जिसकी रेडियस 28 सेंटीमीटर है वो 352 मीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए 200 रोटेशन लगाएगा, कितने रोटेशन लगाएगा, 200 रोटेशन टू कवर द डिस्टेंस 352। तो आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 के बाद हम कोई नया चैप्टर शुरू करेंगे,
जो इसकी फोर्थ एक्सरसाइज है उसको आप नहीं करेंगे, जो एक्सरसाइज फोर है उसको आपको नहीं करनी है, क्योंकि उसमें से आपके एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। केवल आप इस चैप्टर से एक्सरसाइज 11.1, 11.2 और 11.3 ही करेंगे। कल हम कोई नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, जो भी बचे हुए हैं अभी उनको स्टार्ट कर देंगे, और जो भी मैं आपको वर्कशीट सेंड करूंगा उनकी प्रैक्टिस अच्छे से करना और अपना 100% देने की कोशिश करना। जो भी क्वेश्चंस मैं आपको देता हूँ, कोई भी क्वेरी बनती है तो उसको आप पूछिए। केवल यही किया जा सकता है कि मैं आप अपनी प्रॉब्लम पूछो और मैं उसको बताऊँ, क्योंकि इस ऑनलाइन टाइम में केवल इतनी ही आपकी हेल्प हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 17, लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 इज अ मिनट हैंड ऑफ सर्कुलर क्लॉक इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। मिनट हैंड एक क्लॉक है, दीवार घड़ी, उसके मिनट हैंड जो है उसके लंबाई है बेटा 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है। हाउ फार डज द टिप ऑफ द मिनट हैंड मूव इन वन आवर। एक आवर में ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, एक आवर में ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, आपको ये बताना है। बेटा एक आवर में मिनट वाली सुई कितना चक्कर लगाती है, मिनट वाली सुई एक घंटे में कितना चक्कर लगाती है, कितना चक्कर लगाएगी बेटा? एक रोटेशन। अभी बच्चों को ये भी क्लियर नहीं है कि अगर मिनट की सुई यहाँ पर, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको, यहाँ पर 12 बजे होंगे, यहाँ पर 3, यहाँ पर 6, यहाँ पर 9। अब मिनट की सुई यहाँ है और जिसकी लेंथ कितनी है बेटा, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर लंबाई की सुई। जब ये घूमते हुए दोबारा 12 पैर आएगी तो उसका एक घंटा पूरा हो जाएगी। एक घंटे में ये एक बार रोटेट करती है, एक घंटे में कितने रोटेशन लेगी, एक। कवर डिस्टेंस बाय मिनट हैंड इन एक घंटे में, एक घंटे में वो एक ही तो चक्कर लगाएगी, एक घंटे में कितने चक्कर लगाएगी, मिनट की सुई एक बार घूमेगी, एक बार घूमेगी तो आप कहोगे 2π, एक बार घूमना तो 2π, दो बार घूमेगा तो 2π की मल्टीप्लाई कर दूंगा, तीन बार घूमेगा तो 2π पे 3 की मल्टीप्लाई कर दूंगा, 100 बार घूमेगा तो 2π पे 100 की मल्टीप्लाई कर दूंगा, और जब एक बार घूमेगा तो 2π। सबको क्लियर हो गया होगा। अब एक बार ही घूमी है, 2 × 3.14 × r की वैल्यू कितनी, 15 × 2 = 30 कितना, 3.14। जीरो पहले रखो, मल्टीप्लाई करो, 3 × 4 = 12, 3 × 1 = 3 और 1 × 4 3 × 3 = 9, मल्टीप्लाई करके 3 × 4 = 12, 3 × 1 = 3 और 1 = 4 और 3 × 3 = 9। डेसिमल नोट वाले यहाँ पे लगा दो, इतने सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करेंगे। यहाँ से चलते चलते इस घड़ी की जो सर्कमफेरेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस कितनी है, 94.42 सेंटीमीटर की ये घड़ी है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, और सर्कल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करवा दिए। तो आप सभी
ये सारे क्वेश्चन अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं, उसके बाद जो भी वर्कशीट में आपको दूंगा केवल वही करना है, और जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं मेरे करवाए हुए क्वेश्चन से एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं मिलेगा। केवल 5 नंबर की एक वर्कशीट में आपको दूंगा जो मेंटल मैथ से रिलेटेड होगी, वे क्वेश्चन भी मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा ब्लैक बोर्ड पर, वे आपकी बुक से अलग मेंटल मैथ के केवल 5 क्वेश्चन होंगे, तो उनको भी आप प्रैक्टिस कर लेना, उनकी भी आपको वर्कशीट मिलेगी और आप क्लास का वर्क भी करेंगे प्लस वर्कशीट भी करेंगे। तो आज के लिए इतने स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।